हिमाचल प्रदेश सरकार दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने का कार्य पूरे जोरों पर कर रही है। चंबा जिले में भी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनके शिलान्यास व उद्घाटन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में चंबा जिले के लड्डू से बांट पंचायत में करीब 60 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर बने रास्ते का उद्घाटन आज सदर विधायक पवन नैयर द्वारा किया गया। यह पहला मार्ग है जो इस गांव के क्षेत्रों को दो तरफ से जोड़ेगा। इस सड़क के बनने से ग्रामीणों को अब मुख्यालय पहुंचने के लिए दो तरफ का रास्ता बन चुका है। अब इस तरफ की करीब 3 पंचायतों के लोग दो तरफ के रास्ते मुख्यालय आ जा सकते हैं, जिसकी सुविधा आज से यहां मिलना शुरू हो चुकी है। आज सुबह सदर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया, जिसकी वजह से लोगों में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में चंबा जिले को दो और सड़कों के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें मरेड़ी से सिलाग्राट 13 करोड़ रुपए की लागत से और सलोर से मशरूम के लिए 26 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों को मंजूरी मिल गई है। साथ ही चंबा जिले की पिछले कई सालों से पार्किंग की समस्या के लिए भी 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत प्रदेश सरकार द्वारा जिला चंबा को मिल चुकी है, जिसका बजट अब लोक निर्माण विभाग के पास पहुंच चुका है। सदर विधायक पवन नैयर ने बताया कि आने वाले समय में चंबा जिले को दो और सड़कों के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें मरेड़ी से सिलाग्राट 13 करोड़ रुपए की लागत से और सरोल से मशरूम के लिए करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों को मंजूरी मिल गई है। साथ ही चंबा जिले की पिछले कई सालों से पार्किंग की समस्या के लिए भी 25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा जिला चंबा को मिल चुकी है, जिसका बजट अब लोक निर्माण विभाग के पास पहुंच चुका है। आज का दिन जो है वो लड्डू बाट उटी पंचायत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये मेरी चंबा चुनाव क्षेत्र में पहली ऐसी सड़क है जिसका एक पूरा ये राउंड बना है। इसके अब लोग मेरे हिसाब से पहले लोगों को आना पड़ता था बाई लड्डू होके, और अब ये बाई पनेला होके, और ये शॉर्टर रूट है। लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी। मैं एक्सन साहब का भी तय दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी जल्दी ये सड़क बनाई। इस सड़क पे तकरीबन 7 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है, खर्च थोड़ा सा काम रह भी गया है, मेडली टायरी पूरी कंप्लीट है इसमें। और इस एरिया में, इन पंचायतों में इतना पैसा मेरे ख्याल चंबा विधानसभा सबसे ज़्यादा इन पंचायतों में जो पैसा खर्च हुआ है, और जितने भी और उन लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर ज़मीनें दी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये सबसे पहले तो ये कि ज़मीनें देनी चाहिए, और जिन्होंने लोगों ने अपनी ज़मीनें दी उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। आपने देखा होगा कि जब मेरे तकरीबन 2 साल मेरे को विधायक बने हो गए, और इसमें 40-50 सड़कें जो है, और जिसका भी हमने शिलान्यास किया, सबका काम चला हुआ है। कोई मेरा चुनाव क्षेत्र में कोई ऐसा एरिया नहीं बचा जहाँ सड़कों का काम नहीं लगा है। सड़कों छोड़ो बाकी IPH और एग्रीकल्चर, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक उसमें हमारे जो काम है, परंतु सबसे ज़्यादा जो PWD का है। मैं शिमला गया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक हमारी 3-4 सड़कें थी, 2 सड़कों की हमारी मंजूरी आ गई है। एक मरेडी से सिलाग्राट 13 करोड़ रुपए, और सरौल से सिरकुंड मसरूण इसमें 26 करोड़ रुपया, इन दोनों सड़कों के लिए पैसा मंजूर हो गया है। 25 करोड़ रुपया हमारा चंबा में पार्किंग बनने जा रही है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।